हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, BRNL भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, इस स्टॉक का रिकमेंडेशन सैटरडे को मॉर्निंग में दिया गया था। और स्टॉक 20% अपर सर्किट को टच करता है, और स्टॉक के देने के बाद अगर आपने लिया होगा तब भी 10-12% का मूव इजिली आपने उसमें बनाया होगा। थोड़ा टाइम बाद भी लिया होगा तो भी उसमें आपने मूव बनाया होगा। तो क्या रीजन था कि इस टाइप के स्टॉक दिए गए? टेक्निकल पैरामीटर पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, ऑल दो फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग होना चाहिए जो जो पैरामीटर हम लोगों ने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्या टारगेट हो सकते हैं, कहाँ अभी हमें इसको होल्ड करना चाहिए या फिर से अभी इसमें हमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या नहीं, इन सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। बट उन सबसे पहले और सारी चीजों को शुरू करने से पहले, बहुत ढेर सारी बातें बताने से पहले, स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले, बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा रात के 4 बज रहे हैं, मैं 4 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बट उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो चीजें हैं। और टेलीग्राम पे मैंने आपको दे रखा था, आप अभी मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, उस स्टॉक को लिया भी गया था, उसका भी स्क्रीनशॉट डाला गया, तो सारा कुछ यहाँ पे दिखाएंगे। डोंट वरी, क्यों लिया गया था उसका रीजन आप लोग अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, BRNL, और ये इसका डेली चार्ट है। और सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल, और देखिए यहाँ पे 11 बजे के आसपास ये BRNL दिया गया था, और दिया गया था 2-4-6 दिन में, 10 दिन में ये 10-8% तक का मूव आ जाएगा। IRCTC एक दिन पहले दिया गया था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC एक दिन पहले, यानी कि ये दिया गया होगा January 19 को, 20 तारीख को एक 6% का मूव देता है। हमारे एक क्लाइंट ने, किसी ने लिया था, उसने एक अच्छा मूव यहाँ पे बनाया है यार, कहा गया। मैं एक्चुअली मैं कॉल वगैरह में काम नहीं करता हूँ, तो उन्होंने ले रखा था, बहुत हैवी ड्राइवर थे, उन्होंने कॉल में ले लिया और 15-16 हज़ार 17 हज़ार लगा होगा, 29 हज़ार इसमें बनाया होगा। अगले ही दिन BRNL दिया गया है कि इसको बाई करिए। BRNL अपन लोगों ने भी बाई किया है, यहाँ पे करीब करीब 70 की एवरेज पे बाइंग हुआ है और 1200-1400 मिल रहा था। जब ये अपर सर्किट टच किया तो करीब करीब इसमें 9000 का यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। BRNL तो क्या रीजन है, क्यों दिया गया था? हालांकि उस टाइम मैं जो है फंडामेंटल कुछ देखा नहीं था, सिंपली चार्ट पे देख के ही स्टॉक को दिया गया था। और इस तरह के मोमेंटम स्टॉक बहुत ज्यादा वीडियो बना के नहीं आ सकते हैं, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, उसका कुछ कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, और अगर आप नहीं जोड़ोगे तो पैसा लगने लगेगा, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 652 का है और डेट 1370 करोड़ का है, तो उसकी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा है अगर हम उसकी बात करेंगे तो, फंडामेंटल की बात करेंगे, बट टेक्निकल पैरामीटर पे ठीक लग रहा था, दैट्स व्हाई स्टॉक दिया गया था। ROC नेगेटिव है, ROE भी नेगेटिव है, बुक वैल्यू 27 के आसपास ट्रेड है, स्टॉक 77 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और FIS प्रमोटर की होल्डिंग भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्डिंग रहेगी तभी तो काम चलेगा। एक्चुअली ये करता क्या है तो वो हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 2006 इन अ रोड बोर्ड कंपनी फोकस ऑन डेवलपमेंट इम्प्लीटेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड हाईवे प्रोजेक्ट। द कंपनी प्रोजेक्ट आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्पेशल पर्पज व्हीकल, ठीक है। तो इनका जो काम है, जो रोड पे मैनेजमेंट का काम होता है, टोल का काम होता है, उसका मेंटेनेंस का काम होता है, नए नए प्रोजेक्ट को निकालना होता है, तो ये सारा काम इस कंपनी का है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो जो रोड प्रोजेक्ट है उसके उससे 65% तक का रेवेन्यू आता है, कंसल्टेंसी सर्विस से 2% का, और टोल ऑपरेशन से 33% तक का रेवेन्यू यहाँ पे आता है। आप बहुत ढेर सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हो, और चूंकि मैं चार्ट पे ज्यादा बातें करूंगा तो वहीं पे मैं आपको लेकर चल के दिखाऊंगा, ठीक है। द कंपनी बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी इज स्ट्रॉन्गली फोकस्ड ऑन द वैल्यू एक्रिएशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी विच दे प्लान टू डू बाय अ शेयर होल्डर वैल्यू एनहांसमेंट क्लेम एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कंटिन्यूअस फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और अगर हम जो चीजें यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोटर में प्लेजिंग भी है तो उस अकॉर्डिंग भी साउंड अच्छा नहीं कर रहा है प्रमोटर, मतलब फंडामेंटली। तो ट्रेडिंग बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे जो भी थोड़ा बहुत 20-25-30% तक का टारगेट अगर हमें मिल जाएगा 2-4-10 दिन में तो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बाकी और शोभा वाले स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, 11% लगभग लगभग देने के बाद से 30-40% तक का मूव उसमें देखने को मिल गया होगा, 30% तक का एक महीने के अंदर, ठीक है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख रहे हैं निगेटिव में है, सेल्स भी धीरे धीरे मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। और नेट प्रॉफिट निगेटिव में है, 270 ज्यादा ही चल रहा है ना। कैश फ्लो भी ओवरऑल पॉजिटिव में है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग जो था वही है, FIIs और DIIs की इसमें होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक की होल्डिंग एज इट इज जो है वो बनी हुई है, तो कहीं से कोई इशू नहीं है। इशू बस इस बात का है, टेक्निकल पैरामीटर पे स्टॉक आया था
मंथली ये 60 को क्रॉस कर रहा था, वीकली ये 60 को क्रॉस कर चुका था, डेली ये कंसोलिडेशन फेज में था, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन को ऊपर के साइड में क्रॉस किया देन ये अपन का नजर में आ गया और ये स्टॉप अपन यहाँ पे दिया, ठीक है। ये जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया तुरंत ही वही 79.40 का लेवल ये ऊपर की साइड में क्रॉस किया, तुरंत स्टॉक टेलीग्राम पे पहुंच जाता है एकदम एग्जैक्टली उसी सेगमेंट में, और एक अच्छा मूव हमें उसके बाद भी देखने को मिलता है। एक इस कंसोलिडेशन में वैल्यूम बहुत हाई था तो ओवरऑल सारी चीजें इसमें अच्छी चल रही थी, देन ये स्टॉक दिया गया, एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला 20% तक का। आप 20% हटाओ जब स्टॉक दिया गया आपने तभी लिया, तो 10% का मूव इसमें देखने को मिला होगा। ऑल दो अभी भी स्टॉक ये मैं डिलीवरी में लिया था कैश में, तो स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर कल का मार्केट जैसा देखेंगे जैसा कैंडल रहेगा उस अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड किया जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव देता है तो हो सकता हो कुछ क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लिया जाए, बाकी ट्रेल किया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मोमेंटम बना हुआ है इसलिए हमें मूव दिख रहा है तो हो सकता हो 20% का एक मूव यहाँ पे और देखने को मिल जाए, और अगर वो दोनों मूव मिल गया 20% का मूव इस दिन आ गया तो बिना कुछ सोचे समझे स्टॉक से एग्जिट कर दिया जाएगा। क्योंकि तो 3 दिन में मतलब अगर 2 दिन में आप 30% तक का मूव बना रहे हो तो विच इज अमेजिंग, प्लीज बिलीव मी, अगर आप 2 दिन में 30% का मूव बना रहे हो तो विच इज अमेजिंग। आप स्टॉक आप देखेंगे अगर टेलीग्राम में प्रीवियस मैसेज आप देख सकते होंगे तो प्लीज जाके देखिएगा, जितने भी स्टॉक इस दरमियान दिए गए हैं पूरे जनवरी में तो सारे के सारे स्टॉक 5-10% 1-2 दिन में तुरंत परफॉर्म किए हैं। आप जाके देखेंगे चाहे वो IRCTC हो, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो BRNL हो, उसके पहले जो भी JWL अभी अपर सर्किट में है तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह के यार स्टॉक में अपन ट्रेड करेंगे ना तो पैसा बन सकता है। आप कॉल पुट में थोड़ा सा साइड में रखो, यदि आप करते हो भी हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालो एक बार और आप देखो कि इन टू एन यानी कि 1-2 महीने में भी क्या प्रॉफिट में हो। अगर प्रॉफिट में हो बहुत सही भाई मेरे, उसको कंटिन्यू करो और आगे उसी में काम करो, एक अच्छा पैसा आप उसमें बना सकते हो। अगर नहीं हो तो प्लीज उसको स्विच करिए, एक दूसरे स्ट्रेटजी पे काम करिए, या स्टॉक में आइए या कैश में काम करिए, फिर पैसा बने उसके बाद से आप उसमें देख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक बार वैल्यूम इंक्रीज हुआ था इस एरिया में और फिर से साइडवेज चला गया था, इस एरिया में वैल्यूम इंक्रीज हो गया था, 60 को क्रॉस किया था, तो एक ऊपर साइड में जाने में एक साइडवेज ट्रेड किया और जैसे ही ऊपर की साइड में क्रॉस किया एक रडार में स्टॉक आ गया और एक अच्छा मूव में देखने को मिला है। तो शायद ये मंडे को फिर से रह सकता है, तो आप स्टॉक में नजर बना के रख सकते हैं। बताने का और समझाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जाके देखिए, बहुत ही सिंपल है। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें करके हम लोग मार्केट से पैसा बना सकते हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू बिलीव दैट कि यू कैन मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट बिलीविंग दैट यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, यू कांट मेक। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू बिलीव, एंड व्हेन यू बिलीव देन यू कैन डू अहेड मोर। तो प्लीज विश्वास करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है इतना सब कुछ दिखाने के बाद, तो जयराम जी की, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।